हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। तो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने इनहेरिटेंस के पैटर्न को बताने के लिए लॉज दिए, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों, ये लॉ कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट हैं, उनको कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट यूनिट, जिसको कि हम लोग कहते हैं फैक्टर। फैक्टर जो वर्ड है, ये भी बच्चों मेंडल ने ही दिया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल टी कैपिटल टी, मतलब टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट क्या क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा और हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो डिससिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर हैं, मतलब कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में इन दोनों मेंबर्स में से कोई एक जो होगा वो डोमिनेटिव होगा और दूसरा जो होगा वो रेसेसिव होगा, और जो डोमिनेटिव होगा वो रेसेसिव वाले को सप्रेस कर देगा, इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा और खुद ही एक्सप्रेस होगा। यही रीज़न है बच्चों कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी मिले वो किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करते थे, और F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो 3:1 के रेशियो में एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों अलग अलग हो जाना। तो बच्चों देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं कि जो एलील्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी बात कर लेती हूँ, ये एक एलील हो गया, ये एक एलील हो गया, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। भले ये पेयर्स में होते हैं, ये अकेला नहीं रहेगा कभी भी, जब रहेगा तो उस मतलब पेयर में रहेगा, पर फिर भी साथ में रहने के बावजूद भी बच्चों ये दोनों एलील अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों में किसी भी तरह की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग जो है वो नहीं होती है। यही रीज़न है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चाहे हम लोग F1 जनरेशन का कोई प्लांट लें देखें या F2 जनरेशन का प्लांट देखें, दोनों ही जो है वो या तो टॉल होंगे या तो ड्वार्फ होंगे। दोनों की इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट हम लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो ये एलील्स होते हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग को FN जनरेशन में क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। पर जब हम लोग इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो बच्चों, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों, ये एक टॉल पी प्लांट है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका फीनोटाइप क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे कि मैम ये टॉल होगा। पर अगर मैं पूछूं कि इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है, इसमें बच्चों प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि बच्चों कोई प्लांट टॉल है, कोई पी प्लांट टॉल है, इसके दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। फर्स्ट, इसका जीनोटाइप बच्चों कैपिटल टी भी हो सकता है। इसके अलावा इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों जो जीनोटाइप है बच्चों वो इस टॉल प्लांट के लिए पॉसिबल है। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप जो है वो क्या है, कैपिटल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों, इसके लिए क्या कराते हैं कि इस टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा देते हैं, और क्रॉस करा के बच्चों जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोजेनी मिलेंगे, उस प्रोजेनी को ऑब्जर्व करके, उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये प्लांट जो है इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्योंकि बच्चों इस क्रॉस को कराने से हम लोग को इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है ये पता चल जा रहा है। सो इस क्रॉस को बच्चों हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस।
तो बच्चों अब हम लोग इस प्लांट का, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए दो केस इमेजिन करेंगे। एक बार हम लोग मानेंगे कि इस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, और इसे ये इमेजिन करके इसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे। और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी मान करके इसको फिर से ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे, और फिर उन दोनों ही केस के प्रोजेनी को ऑब्जर्व करेंगे और उसी की बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस में हम लोगों ने इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप माना है कैपिटल टी, और इसको क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट के साथ स्मॉल टी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गैमेट बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। फिर हम लोग इसके प्रोजेनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे एक पेरेंट का गैमेट और दूसरी तरफ दूसरे प्लांट के गैमेट, और फिर हम लोग बनाएंगे इसके प्रोजेनी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि हम लोग को इस केस में सारे के सारे प्रोजेनी कैसे मिल रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेनी जो होंगे, सारे प्लांट, ऑल प्लांट्स, इस केस में हम लोग को मिलते हैं टॉल। अब दूसरे केस में इसको देखिए, जब हम लोग इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी मान करके इसको जब ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके भी गैमेट बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर से इसके प्रोजेनी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बना दिया मैंने पनेट स्क्वायर। एक तरफ एक पेरेंट के प्रोजेनी लिखेंगे, गैमेट्स लिखेंगे, और फिर दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमेट्स लिखेंगे, स्मॉल टी। अब इसको मिला के कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को मिला के कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इन दोनों को मिला के स्मॉल टी, और इन दोनों को मिला के स्मॉल टी। तो आप इस केस में देख सकते हो कि इसमें से ये दोनों जो होंगे वो टॉल प्लांट होंगे, और ये दोनों कैसे प्लांट मिलेंगे हम लोग को, ड्वार्फ प्लांट। मतलब कि इस केस में हम लोग को हाफ टॉल प्लांट मिल रहे हैं एंड हाफ ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं। तो बच्चों, जब हम लोग इस प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ कराते हैं, और अगर सारे प्लांट हम लोग को टॉल मिलते हैं जैसा कि इस केस में मिला है, सारे प्लांट ऑल प्लांट टॉल मिलते हैं, तो इस प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी। और अगर जब हम लोग इस टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ कराते हैं और उसमें से हाफ जो है वो टॉल प्लांट मिलते हैं और हाफ प्लांट ड्वार्फ मिलते हैं, तो हाफ टॉल मिले और हाफ जो है वो ड्वार्फ मिले, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो इस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। इफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।